और चलिए सबसे बड़ी खबर में सबसे पहले बात विंग कमांडर अभिनंदन की, जिनके स्क्वाड्रन को सम्मानित किया जा रहा है। वायुसेना अध्यक्ष 51 स्क्वाड्रन को सम्मानित करेंगे। 27 फरवरी को अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। 51 स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन सतीश पवार सम्मान लेंगे। स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की यूनिट को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें F-16 को मार गिराने में मिंटी अग्रवाल का बेहद अहम रोल था। दो तस्वीरें आपके सामने है, हालांकि फाइल फुटेज है ये, विंग कमांडर अभिनंदन और मिंटी अग्रवाल दोनों को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अभिनंदन की 51 स्क्वाड्रन जिसे सम्मानित किया जाना है, एयरफोर्स डे के मौके पर इन टीम्स को सम्मानित किया जाएगा। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, एक और सम्मान अभिनंदन उनके पूरे स्क्वाड्रन को मिलने वाला है, क्या और जानकारी? ताकत के साथ भारतीय वायुसेना इतनी ताकतवर हो गई है, दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टरों में अपाची को शामिल किया गया है। ऑल वेदर ये अपने मारक क्षमता के साथ जो है किसी भी टेरेन में उतर सकते हैं। साथ ही एक साथ जो हजारों गोलियां बरसाने की क्षमता है और साथ ही मिसाइल ज्यादा शोर होने की वजह से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सबसे पहले न्यूज नेशन इस वक्त की बड़ी खबर, देश के जाबाजों पर देश को गर्व है और इसी गर्व के बाद इन जाबाजों को सम्मानित किया जाएगा एयरफोर्स डे के मौके पर 8 अक्टूबर को।